अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है चिकन जिंजर। चिकन जिंजर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो है चिकन आधा किलो, एक पाव टमाटर, ये तकरीबन 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं, उसके साथ 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ घी। अच्छा जी, मसालों में इसमें डलेगा 1 टी स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून केचप, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, आधी चिकन क्यूब। अच्छा, अब ये जो है इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 1/4 कप पानी है, उसको हम मिक्स करके डालेंगे। और इसमें डलेगा 2 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। ये सब बनने के बाद फिर और गार्निशिंग में जो डलेगा वो है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, और 3 हरी मिर्चें हैं कटी हुई तकरीबन 1 टेबल स्पून के आसपास, ये है अदरक जूलियन कटी हुई, और ये है अदरक कुटी हुई, फ्रेश अदरक है, इसे कूट लिया है मैंने। इसके साथ है ये काली मिर्च 1 पिंच। यू करते हैं, मैंने स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन लिया है, इसमें मैं चिकन डालूंगी। चिकन के साथ ही मैं डालूंगी ये टमाटर, और टमाटर के साथ ही ये जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी, इसको हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया अच्छे से, अब इसको हम ढक देंगे और 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकने देंगे। चलिए जी, 5 मिनट्स हो गए हैं, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ घी, फुल भर के डालेंगे, साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, हल्दी, लाल पिसी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और ये चिकन क्यूब, मिक्स करेंगे। अब इसमें फ्रेश कुटा हुआ अदरक डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे, चूल्हा स्लो करके और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब इसमें हम केचप डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। कचूला बिल्कुल धीमी आंच पे करेंगे, इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, इसे हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई और पिसा हुआ सफ़ेद जीरा। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा चिकन जिंजर हो गया है रेडी। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताइए। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।